जथेदार जी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है 21 दिसंबर 1981। एडा वड्डा परिवार च हादसा होने तो बाद मेरे सिर ते आशीर्वाद रखिया कि मनु भी उस थां ते बिठाया लिया के 32 साल बाद 81 तो बाद 2013 च जिथों मेरे पिता ये सफर छड़ के गए सीगे। सज्जन कुमार टाइटलर दे नाल कांग्रेस राज दे विच नौ लैणा कोई सौखा काम सी, असी उन्हां तों वी डरे। मेरे उत्ते बंब केस पै जाण 1985 दे विच मनु घरों चुके लै जाण, असीं उस तों वी डरे। संत जरनैल सिंह खालसा पिंडराणे दी फोटो करके मेरा पासपोर्ट इंपाउंड होवे, मेरे ते टाडा ला दिता जावे, मैं उस तों नहीं डरिया। गुरु दी बख्शिश है, हमेशा दृढ़ता दे नाल असी सिख इशू दे उत्ते पहरा दित्ता और दिंदे रहांगे। मेरा जन्म 18 जुलाई 1958 चाबीगंज इलाका जिहड़ा कश्मीरी गेट पुरानी दिल्ली दे विच है उत्थे हुंदा है। मैं अपने परिवार चों वड्डे भाई साहब तजिंदर सिंह तो बाद नंबर 2 मेरे दादा है, 2 मेरे तो छोटे भरा ने, एक साडी सब तो छोटी सिस्टर है। मैनू बचपन तो जे कोई सवाल किया जाए कि मैं सियासत किवें आ गया, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। हाँ ये जरूर है कि अपने पिता दे जिन्ने भी काम सीगे और वो काम मोर्चिया दे साडे सामने 30 तो वध दफा गिरफ्तारियां हुई ने, उन्हां दी जेलां च मिलण जाना, कदी रोहतक जेल, कदी चरखी दादरी, कदी बनारस, कदी आगरा, कदी दिल्ली तिहाड़ जेल, कदी फिरोजपुर जेल। मैं समझदा वा कि ये सारे घटनाक्रम नूं मैं ऑब्जर्व करता हुंदा सी और पिता दे नाल कई जगह मैं जांदा रहा वा छोटी अवस्था तो। मेरा सफर सियासत दे नाल बहुत छोटी उम्र तो ही मेरे पिता दे नाल शुरू होया। मैनू 1964 जदों पंडित नहरू की डैथ हुंदी है, मैनू वो दिन चंगी तरह याद है कि जदों उहदी डेड बॉडी जा रही सी उदे पिछे मैं अपने पिता दे नाल ओपन जीप विच गया सीगा। इस तो बाद कदी सीसगंज साहब ते हमला हुंदा है 1966-67 दे विच, किवें जहेदार जी नूं सट्टां लगदियां ने, किवें 1968 दे विच कोतवाली लई जांदी है, किवें बंगला साहब दी सड़क बंद कीती जांदी है 1968 दे विच ही, 69 दे विच किवें लड़ाई करके झगड़ा करके पुलिस दे नाल इंदिरा गांधी उतारू हो गई सीगी कि इस सरोवर दी थां जिहड़ी है त्रिंद्रा ब्रह्मचारी नूं देनी है, कदी अगली सड़क राजा जय सिंह मार्ग बंद हो जांदा है, कदी लंगर वाली थां 1962 च पंडित नहरू दे वक्त लई जांदी है। मैं समझदा ये सारियां चीज़ां गोलमेठी चौंक दे उत्ते धरना लगदा है पंजाबी सूबे का
और मैं छोटी उम्र के ही 7-8 साल की उम्र से 24 घंटे की भुख हड़ताल पिता नाल बैठता वा जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस के नेड़े सीगा। ये सारिया चीज़ा अपने सामने गुजरिया देखिया ने कि इंग्लैंड दस्तार का मोर्चा 69 जथेदार जी जीते ने और अखीर वो दिन आता है जदों जथेदार जी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है 21 दसंबर 1981। उस दिन तो बाद मैं समझदा कि मेरे परिवार के विच जमीन आसमान का फर्क आया। कौम नू घाटा पिया, संगत नू नुकसान होया, लेकिन जे मैं परिवारक गल करां तो साडे वास्ते हादसा बर्दाश्त करना बड़ा औखा सी। संत लौंगोवाल, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जेडे जथेदार जी दे भोग ते खुद हाज़र हुंदे ने, मनु सरोपा दिता जांदा है संत भिंडरांवालियां वल्लों कि परिवार दे विच्चों मनजीत सिंह नूं सियासत वास्ते अगे करेगा। हालांकि मेरे माता होर मेरे रिश्तेदार इस लई राजी नहीं सन, लेकिन संतां दे दबाव करके ये फैसला लिया गया कि मनजीत सिंह बचपन तो जथेदार जी नाल रहा ते इसे नूं ही अगे कीता जाएगा। जिवें तुहानूं मैं जिक्र कीता है कि 1981 21 दसंबर जथेदार जी की डैथ तो बाद मैनू जदों सियासत दे विच लिआंदा गया, मैं समझदा मैं अपने मोढ़िआं ते एक बहुत वड्डा भार महसूस किया। भार यह महसूस किया कि अज साडे नाल की बनेगा, की कसूर सी जथेदार साहब का कि जिन्हां ने इन्ना कुछ किया होवे और उन्हां नूं अखीर इहो जिहा अंत देखना पिया होवे। एक 1978 का वाकया मैं दस्सिया निरंकारी मूवमेंट का, लेकिन मैं समझदा कि जिहड़ा सही सियासी मेरा समा जदों मैं यूथ अकाली दल का प्रधान बनाया गया 1982 वो शुरू हुंदा है, जिहदे विच 1982 दो बहुत वड्डे काम हुंदे ने, जिहदे विच इंग्लैंड च एक बच्चे नूं 8वीं पड़दे नूं बाहर कढ़िया जांदा क्योंकि दे सिर ते दस्तार सी कि मैं पहला मुजहरा ब्रिटिश हाई कमिशन दे बाहर करदा वां और बहुत भरवां मुजहरा हुंदा है। मार्गरेट थैचर नूं चिट्ठी लिखी जाती है, उहदा जवाब आंदा है और वह बच्चे नूं वापस एडमिट किया जाता है। मैं समझदा एक बहुत वड्डा मसला हल हुंदा है। और उस साल ही जिहड़ी बाला साहब होस्पिटल तुसीं देखदे हो, उस होस्पिटल की जमीन वास्ते मैनू मेरे नाल मेरे साथियों नूं और दिल्ली सिख गुरद्वारा कमेटी के सहयोग के नाल तरविंदर सिंह मरवा, नरेंद्र सिंह गांधी, कुलदीप सिंह भोगल, असी 10 रातां कटते हैं, संगत साडे नाल रातां कटती है, पुलिस का बड़ा प्रैशर है और किस तरीके नाल जमीन ले जाती है सारा कुछ तुहाडे सामने है। 1984 के आसपास जो मोर्चा लगता 82 तो 83 तो मेरा संतां दे नाल बहुत प्यार सी, संत लौंगोवाल जी नाल, संत पिंडराड़िया नाल, और इस मोर्चे दौरान मैं कई दफ़ा दरबार साहब गया। जदों गोल्डन टैंपल एक्शन होण तो कुछ समा पहला, महीना डेढ़ पहले मैनूं जाण दा मौका मिलिया, संत जरनैल सिंह होरां दे नाल मेरी बहुत लंबी गल हुई और उही फोटो इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर लगी 7 जून 1984 नूं, जिस दिन संत पिंडराड़िया नूं डिकलेयर किया गया कि उन्हां दी डैथ हो चुकी है। वो फोटो मेरी ते संतां दी फाइल पिक्चर और उहदे ते कैप्शन लाया जांदा कि पिंडराले एक अपने यकीनी कॉन्फिडेंट बंदे दे नाल खड़े ने, मनजीत सिंह सन ऑफ लेट जथेदार संतोख सिंह, और बैकग्राउंड दे विच गन पोजिशनज़ बनिया ने। उस फोटो ने मेरी रॉ तो लैके सारे डिपार्टमेंटा च फाइल खोली, मेरे उत्ते NSA भी लगा, मेरे उत्ते 85 का ट्रांजिस्टर बंब कांड भी मनों चुक के घरों लगे आ गया, बड़ा कुछ होया, पासपोर्ट इंपाउंड किया गया। लेकिन एक पासे पिता सिर दे उत्तों हट गया सीगा, एक पासे परिवार की जिम्मेवारियां सी, दूजे पासे सियासी मैदान इन्ना गर्म हो गया जिहड़ा मैं समझदा उस उम्र दे विच संभालना बड़ा औखा सीगा। पर गुरु की कृपा करके या जथेदार जी दे नाल रह के जो कुछ मैं देखिया सी और उन्हां नूं जूझदे देखिया सी अपने जीवन दे विच, वो किते ना किते मैनूं ताकत दिंदा सीगा और उहो जिहे हालातां च घबराए नहीं। 1985 मैं यह मुल्क छोड़ के जाना चाहता सी, अमेरिका मेरा छोटा भरा सैटल होया, मैं उसनों ज्वाइन करना सी, लेकिन मेरा पासपोर्ट इंपाउंड हुंदा 91 तक, मुकदमे चलते ने, केस सारे खत्म हुंदे ने, झूठे मुकदमे सी सारे कैंसल हुंदे ने, अखीर जेतू हो के निकलदा वां।
1995 पहली दफ़ा जथेदार जी दे वेले 79 च इलैक्शन हुई सी। 16 साल बाद दिल्ली गुरद्वारा कमेटी की चोण होंदी है। 1995 मनु खड़ा करन वास्ते ग्रेटर कैलाश इलाके की संगत जथेदार जी दे पुराने दोस्त पोलिटिकल साथी बहुत प्रेशर करते हैं। मेरे माता नहीं मानते सी, लेकिन अल्टीमेटली मैं खड़ा होया। पांच कैंडिडेट सीगे, गुरु की बख्शिश नाल मैनू 95% वोटा मिलिया। और इस तरीके नाल मैं पांच इलेक्शन लड़ चुका। पहली 95 लड़ी सी, दूसरी इलेक्शन 2002 दे विच, तीसरी इलेक्शन 2007 दे विच, चौथी इलेक्शन 2013 दे विच, और पंजवीं इलेक्शन हुण पिछले साल 2017 दे विच। मैं समझदा वां कि गुरु ने बख्शिश की मेरे इलाके दे, मेरे सहयोगी, मेरा परिवार है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरे पिता की भी इो करम भूमि सी पोलिटिकल, मेरी भी एक करम भूमि है। और एक ग्रेटर कैलाश हल्के ने हमेशा मैं प्यार दिता है। और मैं ये भी कह सकता वा, गुरु ने बख्शिश करके मेरे तो सेवा ली है। आज सारी जगह जीके दे नाम तो मैं मशहूर किया गया, और जीके मैं नहीं लगाया सी, ये पहली दफ़ा 1995 दर्शन सिंह हरविंदर पंजाबी ट्रिब्यून दे एडिटर सी, उन्होंने मेरे नाँ के नाल जथेदार लाया। मैं कहने तुसी कल्ला मनजीत लिखिया करो, लेकिन चार मनजीत जित के आए, मनजीत सिंह गोबिंदपुरी, मनजीत सिंह एक मॉल टाउन तो सी, एक मनजीत सिंह रोहिणी सी, ते मैं मनजीत सिंह ग्रेटर कैलाश तो सीगा, ते मेरे नाँ नाल उन्होंने जीके लगा दिता। उस दिन तो बाद अज तक जीके लगता है। सही मायने च मैं इसनों गुरु कृपा समझदा कि गुरु की कृपा मेरे तो हुई है। गुरु की कृपा मेरे पिता से हुई सी, उन्होंने को गुरु ने सेवा ली है। और इस तरीके गुरु ने कृपा रखी है कि एडा वड्डा परिवार च हादसा होने तो बाद मेरे सिर पर आशीर्वाद रखिया कि मनु भी उस थां ते बिठाया, लिया के 32 साल बाद 81 तो बाद 2013 जिथों मेरे पिता ये सफ़र छड़ के गए सीगे। और मैं समझदा वा, मैं उन्हां वाकन काम तो नहीं कर सकता, लेकिन बड़े काम जिहड़े उन्हां दे अधूरे लह गए सी, जिहड़ा 1964 जथेदार संतोख सिंह जी ने पंजाबी नूं सैकेंड लैंग्वेज स्टेटस दवाउण दा लड़ाई शुरू की थी। 2003 दे विच इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ पंजाबीज़ जिहदे मैं बड़े प्रोग्राम किए, जिहदे प्रधानमंत्री आई के गुजराल साहब, शीला दीक्षित जी इको स्टेज पर बैठते रहे, डॉक्टर जसपाल सिंह, SS कोहली साहब, मैं समझदा बलबीर कोहली हुरी, असी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। सर पुष्पिंदर सिंह का मैं जिक्र करना चाहवागा, उसने पंजाबी सैकेंड लैंग्वेज की लड़ाई साढ़े च नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा अहम रोल प्ले किया, और असी 2003 दे विच कामयाब होए हैं। किते शताब्दी आती है, 300 साल खालसे की जन्म शताब्दी, मैं रंगरेटा मार्च दिल्ली तो आनंदपुर साहब लैके जाना वा, और उस रस्ते तो 10 दिन पैदल पहुँचता जितों भाई जैता लैके गए सन। सुनेहा देने की कोशिश की कि जिहड़ियां कम्यूनिटी साढ़े तो विछड़ गई ने या असी दूर कर दित्तियां ने, अज भी उस कोशिश चा उन्हां कम्यूनिटीज़ नूं वापस लैके आईए। गुरु नानक का फलसफा सी, किते असी रंगरेटे दूर करते, लबाणे दूर करते, सिकली घर दूर कर दिते, किते असी बंजारे दूर कर दिते। मैं समझदा ये सिंधी जिहड़े दूर कर दिते, इन्हां सारियां नूं गलबक विच लैण दी लोड़ है। असी ग्रीन एनवायरमेंट प्रोजेक्ट भी शुरू करते हैं। जे किते चिट्टी सिंहपुरा च गोली चलती है, जिस दिन क्लिंटन इत्थे लैंड करते हैं, 35 सिंह शहीद होंदे ने, दिल्ली कमेटी वालों मैं भेजा जाता है, उत्थे जाके उन्होंने जदों अस्थियां चुकन नूं तैयार नहीं सन, किस तरीके का माहौल सी, मैनूं अज भी देख के खौफ आता है। उदों आप चैकबुक लिजा के दिल्ली कमेटी वालों उन्होंने चैक कट्टे जाते हैं। इस तरीके नाल जे एरीजोना दे विच द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के डिगण तो बाद पहला सिख जिहड़ा मिसटेकन आइडेंटिटी करके एरीजोना च सोढ़ी साहब नूं मारिया गया, रमसफील्ड डेविड रमसफील्ड इत्थे आंदा, असी मुजाहरा करते हाँ, उसनूं दसदे हाँ साडी आइडेंटिटी की है। किते न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट दे विचों राठौर साहब नूं कढ़िया जांदा कि तू दस्तार उतार के आ, वो मुकदमे की भी असी लड़ाई लड़ते हाँ, उसनों भी वापस रीइंस्टेट करते हाँ। मैं समझदा एक फलसफा, एक सफ़र चल पैंदा, और वह सफ़र तुहाडे सामने है कि कभी कौम नूं पिट नहीं विखाई। 1984 का एक दुखांत बहुत वड्डा मैं समझदा किसे कौम नाल वरत्या, भावें ऑपरेशन ब्लू स्टार होवे, और जिवें मैं दस्या कि सन जरनैल सिंह भिंडरांवालिया दे नाल
मेरी फोटो उस दिन आनी जिस दिन एक्शन खत्म होंगे 7 तरीक की 7 जून 1984 की इंडियन एक्सप्रेस चाणी उसने कहो जे केस मेरे ते उस उम्र च पा दिते जो मैं 23-24-25 साल की उम्र सी पिता की डैथ हो चुकी थी। लेकिन जिहड़ी दिल्ली दे विच नवंबर 1984 जो भाणा वरत्या उहदी लड़ाई एक लंबी लड़ाई लड़ी मैं, भावें मैं दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सी या उस तो पिछे चले जावां, मैं 10 साल पिछे चले जावां, 15 साल पिछे चले जावां, 20 साल पिछे चले जावां, एक लंबी लड़ाई लड़ी। और गुरु की मेहर कि जो 2013 तो बाद दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी आई उस लड़ाई में जड़ा पिछों जोर चाहिदा सीगा जिहड़ी इच्छा शक्ति चाहिदी सी शायद मेरे तो पहले आलिया दे लड़ाई जरूर लड़ी लेकिन कसर कित ना कि रह गई सी। लेकिन जिस उद्दम जिस जज्बे दे नाल लड़ाई लड़ी गई जिदा मैं आख्या विडो पेंशनस करनी साडे जिहड़े गवाह सी उन्हां नूं संभालना और सब तो वड्डी गल 2014 च मोदी गवर्नमेंट दा आना एक बहुत वड्डा ब्लैसिंग इन डिस्काइज होया। मोदी सरकार ने आंदिया जिथे 5-5 लाख रुपया दोबारा इन्हां नूं दिता उत्थे SIT बनाई जिहड़ी SIT दी मंग असी मोदी गवर्नमेंट कोलों कर रहे सां। वो SIT दा रिजल्ट ये होया कि एक लंबी लड़ाई तो बाद सजाए मौत होई 100 तो वध बंदे अंदर किए गए उन्हां केसां दे विच जिहड़े केस बंद कर दिते गए सी। क्योंकि मैं लंबा नहीं जाना चाहवांगा जे सज्जन कुमार की गिरफ्तारी की गल कर लवा या मैं टाइटलर की गल कर लवा जगदीश टाइटलर की जिहड़ी मैं CDJ दे विचों सैकड़े सिखां नूं मारन की गल करदा वो मैं जनतक की उहदी मैं शिकायत कोर्ट च की जगदीश टाइटलर वालों मेरे ते FIR कराई गई कि मैं कोई झूठी बना के दिती जबकि मैनू कोई जिहड़ा बंदा दे के गया सी वो सारे सबूत मैं कोर्ट दे विच पेश करते उसनू जे क्लीन चिट CBI ने दिती 2 वारी कांग्रेस राज एक वारी मोदी साहब के राज दे विच ते असी कोई लिहाज नहीं रखिया मोदी साहब की सरकार का भी असी CBI के दफ्तर के बाहर जाके जो धरने प्रदर्शन किए जिस तरीके के प्रोटेस्ट किए गवर्नमेंट नूं साडे नाल बैठना पै गया और अल्टीमेटली CBI ने कोर्ट के विचों वो क्लीन चिट वापस ली। और जिहड़ा नवा केस मैं तुहानूं कहा उहदी इंक्वायरी चलती पई है उसका भी रिजल्ट जरूर आएगा और जगदीश टाइटलर अंदर जाएगा। सज्जन कुमार की गल कर लीए सज्जन कुमार नूं जदों कड़कड़ डूमा की कोर्ट मोदी सरकार आने तो पहले 2013 और 2014 के शुरुआत या 2013 के अखीर दे विच जिहड़ी डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार है वो उस वेले जजमेंट आती कड़कड़ डूमा कोर्ट की कि सज्जन कुमार दोषी नहीं है लेकिन बलवान खोखर ते बाकी लोग दोषी ने। सज्जन कुमार ते भी उही केस उही FIR उन्हूं छड़ दिता गया बाकियों नूं दोषी करार देता गया। वो जिहड़े 4-5 दिन सीगे एक दिन असी डॉक्टर मनमोहन सिंह दे घर नूं घेरदे आ एक दिन असी पार्लीमेंट ते मुजाहरा करदे आ एक दिन असी सोनिया गांधी दे घर दे उत्ते चढ़ जांदे आ दीवारां टप्पण दी पोजीशन आ जाती और बड़ा बुरा लाठीचार्ज और गैस चलती है एक दिन असी मैट्रो रोक लैंदे आ। लेकिन फाइनल जिस दिन पार्लीमेंट सीगा कदी किसे ने जिथों राजपथ दे उत्तों दी विजय चौंक तो जिथे बीटिंग रिट्रीट हुंदी है वह कदी किसे ने नहीं घेर लिया होएगा जिस दिन वह घेर लैंदे आ प्राइम मिनिस्टर नहीं अंदर जा सकता मिनिस्टर नहीं अंदर जा सकते उहदे च तुसीं अखबारां ही देखिया होएगा कि शरद पवार नूं मैं लैके जा रहा वा पार्लीमेंट दे विच गड्डी चों उतार के। मैं समझदा कि सुशील कुमार शिंदे उस दिन होम मिनिस्टर मीटिंग लैंदा साडे नाल और पुलिस कमिश्नर तो लैके सारी सरकार लंबी पै जाती है कि किसी तरीके पार्लीमेंट दे अगों उठो। 2 घंटे हो जाते सानू पार्लीमेंट घेरे असी आखदे हां कि गोली चलाओ साडियां लाशां चुको असी नहीं उठांगे जे सज्जन कुमार दोषी नहीं है इन्नी हनेरगर्दी नहीं असी होन देंगे। मैं समझदा मेरी टीम ने कमिटेड लड़ाई लड़ी और उहदा इह रिजल्ट आया कि अज जदों मोदी सरकार आई SIT बनी। हाँ अगर उस वेले असी ना लड़दे ना तो सज्जन कुमार भी निकल गया सीगा मैं भी कह दिता मैं की करा जी कोर्ट ने छड़ दिता। लेकिन जदों असी सड़कां ते लड़ाई लड़ी निरप्रीत कौर जगशेर सिंह और जगदीश कौर ये भुख हड़ताल से बैठ गए सीगे और असी सड़कां ते लड़ रहे सी रोज़
गवर्नमेंट कांग्रेस जी नूं मजबूर होया। सानू शिंदे ने शामी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये प्रोटेस्ट बंद कर दीजिए, हम कड़कड़ डूमा की कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सज्जन कुमार के खिलाफ हाई कोर्ट में मूव कर रहे हैं। उससे केस करके ही आज सज्जन कुमार अंदर गया, नहीं तो सज्जन कुमार ही छुट गया सीगा। तो मैं तुहानू एक बड़ी छोटी जी टाइम दे विच एग्जाम्पल दिता कि किस तरीके नाल असीं 84 दी लड़ाइयां लड़ियां ने। मैं समझदा वां कि यादगार बनानी इम्पॉसिबल काम सीगा, विडो पेंशन देनियाँ ये सारे काम किए गए। गुरु की बख्शिश रही कि जो कमिटमेंट होवे, जो जज्बा होवे, गुरु की कृपा होवे, संगत का आशीर्वाद होवे, 35 साल तो जिहड़ा सुपना असी देख रहे सीगे वह साकार हुंदा चले गया। और क्यों साकार हुंदा चले गया? असी मोदी सरकार कोलों, जेटली साहब कोलों, सुषमा स्वराज कोलों या उन अज अमित शाह जी कोलों असी कदी को कोटा परमिट लसेंस या अपने लिए कोई प्लॉट नहीं मंगे। कौम के मसले लैके गए हैं कि किसी भरा नाल कोई दिक्कत हो जाए। दिल्ली दे विच एक बच्चे नूं एक मोटरसाइकिल नूं जवान नूं इसलिए मार दिता गया कि उसके मुँह से पहले धुआं मारिया जाता सिगरेट का, फिर उसनूं कार नाल रौंदिया जाता, उसनूं एक्सीडेंट शो किया जाता है। लेकिन तुहाडे आशीर्वाद के नाल असी ये सारियां लड़ाइयां जितते हाँ। ये जिहड़ा सफ़र दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का होया, भावें मैं ओपोजिशन च रहा वा, भावें मैं रूलिंग पार्टी च रहा वा, पर अखीर 2006-07 के आस पास मैं अकाली दल छड़िया, जिहड़ा जथेदार की डैथ तो बाद 1982 मैं ज्वाइन किया। मैं अपनी पार्टी बनाई श्रोमणी अकाली दल पंथक जथेदार संतोख सिंह। दिल्ली की संगत ने मैं बहुत प्यार दिता, मेरे को 46 सीटा पर खड़े करने वास्ते कैंडिडेट भी नहीं सी, लेकिन फिर भी मनु 6 सीटा जिताइया और 25% वोट मनु मिली। 2008 सर सुखबीर सिंह बादल जो प्रधान बने अकाली दल दे, वो मेरे घर आते ने और मनु आखते ने कि तू अकाली दल दी कमांड संभाल और तू इसनु अगे चला और असी तेरे नाल खड़े हैं। उतों एक ऐसा सफ़र शुरू होंदा कि जेड़ा मैं समझदा कि श्रोमणी अकाली दल का एक गोल्डन पीरियड रहा है, लेकिन उस दे विच गैप आ गया सीगा क्योंकि असी 10-12 साल दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी हारदे चले गए। पर मैं समझदा वा कि उस पीरियड तो बाद कि 20 साल कभी असी MLA नहीं जिता सके, असी 3-3 MLA जिते। मैनू याद है 2012 च मैनू इनवाइट किया गया एज ए स्पैशल इनवाइटी, परमजीत सिंह सरना जी प्रधान सीगे, शंटी जी गुरमीत सिंह जनरल सैकटरी सीगे। मैं मीटिंग अटेंड करन जाना वा, 90 बंदे मैनू कृपाना मारदे ने, मैनू कतल करन दी कोशिश कीती जांदी है, पर मैनू उदन लगा कि गुरु किते ना किते मेरे नाल है और मेरे नाल नाल जी के लगदा ना। तो गुरु की कृपा सी कि उस दिन मैनू सारे मनसूबे फेल करते हुए गुरु मैनू बचा के लै गया। लहू लुहान हो गया, सट्टा लगियां, सिर च टांके लगे, लेकिन बचा होया। इस तरीके नाल जे अमेरिका जाने हैं, जे कैनेडा जाने हैं, किते न्यूयॉर्क मेरे ते हमला हो रहा, किते यूबा सिटी च मेरे ते जानलेवा हमला किया जाता, ISI दे उत्ते कहण दे उत्ते, लेकिन अपनी गल रखदे हां, अपने हिंदुस्तान दे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच रह के लड़ाई की गल करदे हां। इस मुल्क दे विच बैठ के सज्जन टाइटलर अर्गे मगरमच्छां दे नाल अपना युद्ध करन दी गल करदे हां, लड़ाई लड़न दी गल करदे हां और किते ना किते कामयाब होंदे हां। ना कदी इहो जिहे लोकां तों डरे कि जिन्हां ने सानू डराउण दी कोशिश कीती होवे, मेरे ते हमले करन दी गल कीती होवे। मेरा पिता दा कतल कीता, मेरे ते 4 वारी कतल दे हमले हो चुके ने, लेकिन गुरु दी बख्शिश रही है। जे मैं 1985 दे ट्रांजिस्टर बॉम्ब कांड दी गल कर लवां कि किस तरीके नाल इन्हां दे केस च असीं मदद कीती, अज सारे बच्चे रिहा होए ने। मैं समझदा वां कि जदों डेडिकेशन दे नाल, जदों तुसीं एक ऐसी सोच नाल जिहड़ा पंथ प्रति प्यार दी सोच होवे, समर्पण दी सोच होवे और एक्सट्रीम हालातां दे विच सरकारां नाल जूझण दी गल होवे, जदों इहो जिहा जज्बा लै के चलदे हो, कामयाबी तुहानूं मिलदी है। जे मैं पुरानी गल करां, संत जरनैल सिंह खालसा मैनू फोन करते हैं, निरंकारी मर्डर केस जिहड़े लोग इनवॉल्व ने, कितने उन्हां दी जमानतां दी गल हुंदी है। मैं समझदा वा कि
बड़े एक्सट्रीम हालात असी देखे, लेकिन अखीर गुरु ने बख्शिश की 2013 च दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की सेवा दी। जे मैं गुरुद्वारा साहब की डिवेलपमेंट की गल करा, मैं समझदा कि बंगला साहब जिस वक्त असी चार्ज लिया, अगों जिहड़ी रस्ते तो पैदल तुर के जाते सी पार्क के साइड पर उत्तों नाली चलती सी, और आड़ा दुआड़ा जे पिछला पासा देखा जाए अशोका रोड पर किड्डा गंद नज़र आता सीगा। जिस तरीके नाल ऑल ओवर डिवेलपमेंट बंगला साहब की हुई है, मनु कुछ कहण की लोड़ नहीं, अज तुहाडे सामने है। जे उहदे विच छत विच मीनाकारी का काम होया होवे, मेरे तो पहले सोने का काम अद्धा होया सी उसनू कंप्लीट करना होवे, एयर कंडीशनिंग करनी होवे, जिहड़ा सरोवर वाला पासा नज़र नहीं आता सी उस पासे बरांडे तोड़ के जिस तरीके नाल पौड़ियां सरोवर वाला लाइया गई, बंगला साहब का व्यू खुलिया, फ्रंट का दरवाज़ा होवे उहदी सेवा जिथे बाबा हरबंस सिंह जी और बाबा बचन सिंह जी करते सीगे, उत्थे बाबा हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरांवालियां नू भी दित्ती गई। उन्होंने उहदा वड्डा मेन दरवाज़ा लगाया, उहदा जिहड़ा बाहरों एंट्री सीगी उसनू ठीक कीता, पिछला गेट बनाया गया, अगों दी ब्यूटीफिकेशन सारी कीती गई, पार्किंग दे उत्ते पार्क जिथे आ के चरसीए या उत्थे एंटी सोशल एलीमेंट बैठदा सी उह बैन करके पार्क की डिवेलपमेंट होईआं। मैं समझदा बहुत वड्डे काम कीते। बंगला साहब के सरोवर साहब की कार सेवा की गल कर लीए, उहदे विच प्योरीफिकेशन का जिहड़ा प्लांट लगाया गया उहदी गल कर लीए, बंगला साहब और पूरे गुरद्वारा साहबान दे विच असी जिथे एनवायरमेंट का ध्यान रखने वास्ते सोलर सिस्टम लगाए गए स्कूलों और गुरद्वारा साहबान दे विच, उह अपने आप दे विच मूहों बोलते हैं, और दुनिया भर के भावें कोई अफसर होवे इंडिया च, भावें कोई बाहरले मुल्क का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होवे, जे वह दरबार साहब ना जा सकता होवे ते बंगला साहब वो जरूर आता। इस तो इलावा रकाबगंज साहब की जे मैं डिवेलपमेंट करा कि प्रिंटिंग प्रेस नवी लगानी होवे, उहदी बिल्डिंग की उसारी करनी होवे, यां जिहड़ा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिख स्टडीज़ बनता पाया जिथे साडा पुराना दफ्तर हुंदा सीगा, उहदी जे मैं गल कर लवां, वह एक ऐसी चीज़ बनन वास्ते जा रही है जिहदे विच अमरीका तो सार संत सिंह छतवाल ने बहुत वड्डी कॉन्ट्रीब्यूशन उहदे च कीती, अज उह बन के तैयार हो रहा है। इस तरीके नाल ही जे मैं गल कर लवां मोती बाग साहब की, कि जिथे थलों की पार्किंग एक्सटेंड की गई, पहले 50 गड्डी दी सी, अज 100 गड्डी दी पार्किंग हुई, जिथे लंगर हॉल बनिया, जिथे उत्थे विआह शादियां दा हॉल बनिया, जिथे उत्थे कमरे बनाए गए को 35 दे करीब, और कई डिवेलपमेंट उस गुरद्वारा साहब दे विच होईआं। इस तरीके नाल नानक प्यऊ साहब बहुत वड्डा प्रोजेक्ट असीं शुरू कीता, जिहड़ा 550 साल दे उत्ते उसनों कंप्लीट होना सीगा, बाबा बचन सिंह होरां ने और उन्हां दी टीम ने, बाबा सुरेंद्र जी और बाकी सारिया ने बहुत मेहनत करके उस प्रोजेक्ट नूं भी पूरा कीता है। सीसगंज साहब दे अंदर दी सेवा होवे, मैं समझदा वां वह भी अपने आप दे विच संगतां दे सहयोग नाल बाहर बरांडिया दी होवे, और थल्ले जिहड़ा उन्हां दा इनफॉर्मेशन सेंटर है, इस तरीके नाल जिथे फॉरनर्स आते ने गुरद्वारा बंगला साहब, उहदी बहुत बुरी हालत सी, लेकिन अज जाके देखो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दे उत्ते उसकी डिवेलपमेंट की गई है। दमदमा साहब जाके कभी देखो जो गुरद्वारा साहब डिवेलप होया, उहदे थल्ले बाबा बचन सिंह होरां ने जिहड़ा हॉल बनाया, मैं समझदा वा शायद ऐसी जगह दे उत्ते जे स्थान ने डिवेलप होया ये अपने आप च मिसाल है, उत्थे रैशी कमरे बनाने होण, मैं समझदा संगतां दी सहूलत दा हर किस्म नाल ध्यान रख्या गया। सीसगंज साहब का जिस तरीके नाल प्याऊ टुटिया तुहाडे सामने सीगा, वो लड़ाई किवें लड़ी गई, भावें वह दिल्ली सरकार नाल लड़े होइए, भावें दिल्ली पुलिस नाल लड़े होइए, हाई कोर्ट के डबल बेंच के अगे जा के ये आख देना कि असी सानू गुरद्वारे जाने तो कोई नहीं रोक सकता, किन्ने दिन राती उत्थे धरना दे के बैठना पिया, लेकिन मैं समझदा जो कमिटमेंट होवे ये सारे काम पूरे होंदे ने। बाला साहब गुरद्वारे दे विच तरलोचन वीर जी जिन्हें आखते सन, उन्हां तो बाद उन्हां दे बच्चिया ने संगत दे सहयोग दे नाल लंगर हॉल बनाना, उपर कमरे बनाने, या बाबा बचन सिंह होरां ने उत्थे नवें कमरे नवें वॉशरूम बनाने, रकाबगंज साहब वॉशरूम का की हाल सीगा वो सारे जानते सीगे, अज उत्थे जा के देखा जाए बंगला साहब के अंदर वॉशरूम जिहड़े, क्योंकि गुरुद्वारियां दे विच
वॉशरूम वाल कोई ध्यान नहीं दिंदा सीगा। असी कोशिश की कि हर तरीके नाल भावें सरावां दे कमरे होण या वॉशरूम्स होण जिहड़े पब्लिक फैसिलिटीज़ पब्लिक कन्वीनियंसिस वास्ते इन्हां दा ध्यान रख्या जाए। इस तरीके बाला साहब के पुराने हॉस्पिटल दे विच कैंसर दा यूनिट बनाना होवे या डायलिसिस की गल करनी होवे या उत्थों दे मैं कहना वा कि ऑपरेशन थिएटर की रेनोवेशन की गल की होवे या उत्थों दे रिकवरी रूम्स दे विच असी गल कर लईए, एक बहुत वड्डी सेवा गुरु ने आप साडे कोलों लई। कौम दे बड़े मसले ने जिन्हां दे उत्ते असी लड़ाई शुरू की, उहदे विच भावें ज्ञान गोदरी साहब का इशू होवे, भावें डांगमार साहब का सिक्किम का इशू होवे, भावें मैं समझदा कि हैदराबाद दे विच जिस वक्त एक निशान साहब नू अगन भेट करन दी गल होई सी कि बहुत वड्डा मसला उत्थे बनिया सीगा, उस जगह भी पहुँचे हाँ सी। इस तरीके नाल शिलोंग दे विच जदों पंजाबी बस्ती नू उजाड़न दी गल कीती गई, रातों रात करफ्यू लगे दे विच असीं पहुँचदे हाँ। सहारनपुर जिथे गुरद्वारा और मस्जिद का मसला होया, गोलियां चलदे दे विच असी उस जगह पहुँचते हैं, अज वो मसला हल होया। शिलोंग की बस्ती हले तक उजाड़ी नहीं गई जी, उस वेले कुछ घंटिया के उत्थे रॉयट्स हो गए सी, दंगे हो गए सी, उजाड़न की गल की जा रही थी। मैं समझदा बड़े इशूज़ ने जिन्हें असी लड़े हाँ। इस तरीके बाहरले मुल्कां दे जिहड़े कई इशूज़ ने जिन्हों असी भावें भुल्लर साहब की फांसी होवे, ये देखो असी किस तरीके माफ़ कराइए। भावें ललित माखन मर्डर केस दे विच कुकी गिल सीगे, उन्हां दी रिहाई किद्दां हुंदी है, जेलां 'च बैठे सिंघां दी असी किवें मदद करदे हां, किवें पैरोल दिवाने आ। हवारा साहब होण भावें लाहौरिया साहब होण, जे जेल 'च तंग कीते जांदे ने उन्हां दे मुकदमे असी किद्दां लड़दे हां, किसी इशू दे उत्ते असी पिट्ठ नहीं विखाई। जे बाहर दे मुल्क दी गल कर लईए, जे असी इटली जाने हां, उत्थे रोम एयरपोर्ट दे उत्ते मेरे नाल सार राणा सीगे, मेरे नाल गुरविंदर सिंह सी, चीमा साहब इस दुनिया च नहीं रहे, सार पुनीत सिंह चंडोक सी। सानू रोकिया जाता कि पग्गां लाए बगैर नहीं जान देना, असी फ्लाइट मिस करते हैं, 24 घंटे एयरपोर्ट पर धरना देने, दुनिया भर चो लोग उत्थे पहुँचने शुरू हो जाते। अगले दिन इटैलीयन गवर्नमेंट का रिप्रजेंटेटिव माफ़ी मंगता, अगले दिन साडे कोलों एयरपोर्ट रोम का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर माफ़ी मंगता, जिवें प्रधानमंत्री नूं प्लेन 'च लैके जाते हैं बगैर चैकिंग तो छड के आते हैं। असी हर जगह कोशिश की कि इस दस्तार की इस पग की लाज रखी जाए। भावें जथेदार जी वक्त वो मुकदमे लड़े गए, सरकारां तो केस जीते गए, भावें उन्हां तो बाद यूथ अकाली दल के वक्त मैं ये लड़ाई लड़ी होवे, मैं समझदा वा कि एक लंबा जहाद है इन्हां पंथक इशूज़ का जिन्हां दे उत्ते असी पहरा दिता है। अफगानी सिखां दे इशू ते मैं गल कर लवां कि पिछले 25 सालों तो अफगानिस्तान तो आए सिख इंडिया दे विच जिहड़े 25 तो 30 हज़ार सी, उन्हां दे इशू सीगे पासपोर्ट दे, उन्हां दे इशू सीगे आधार कार्ड दे, उन्हां दे इशू सीगे सिटीजनशिप दे। किसे मुल्क चले जाओ जे उत्थे कोई बच्चा जम जावे उसनू उत्थों दी सिटीजनशिप मिलदी सी, पर अफगानिस्तान दे अगर इत्थे लोग 20 साल तो रह रहे ने, अगर बच्चा भी जम पिया तो उहदी सिटीजनशिप नहीं मिलदी सीगी। मैं समझदा वां कि उह इशू बहुत डेडिकेटडली लड़िया और असी कामयाब होए, भावें सुषमा स्वराज होण, भावें राजनाथ जी होण, भावें मोदी सरकार होवे, उन्हां दी सिटीजनशिप का बिल पास कराण ते अज जिहड़ा CAA का सारा झगड़ा चलता पिया, ये शुरू अफगानिस्तान बंगलादेश और पाकिस्तान के सिखां करके ये लड़ाई भी असी शुरू की सीगी। मेरे तो पहले भी लड़ते रहे, कामयाब नहीं हो सके, कांग्रेस वेले नहीं हो सके, लेकिन मोदी गवर्नमेंट तो असी इस नूं कराण दे विच कामयाब होए हाँ, जेदे विच मैं समझदा कि बहुत वड्डा योगदान इस गवर्नमेंट का कि इन्होंने एक्ट दे विच तरबीब करके पार्लीमेंट चो पास करके इसनों कीता। और जदों अज तो 2 साल पहले उत्थों दे MP साहब जिहड़े सीगे हमला हुंदा एक बस दे विच 17 लोग जान गवा लैंदे ने, और हुण तुसीं देखिया रीसेंटली लॉकडाउन दे विच किस तरीके दे नाल अफगानिस्तान दे विच काबुल दे विच गुरद्वारे 'च 25-26 लोगों नूं मारिया जांदा है, और असी गवर्नमेंट कोलों उत्थों दी उन्हां दी सिक्योरिटी दी मंग करदे आ। सार ध्यान सिंह जिहड़े इंडियन सिटीजन सी मारे गए, उन्हां दी डेड बॉडी, 2 अफगानी सिखां दी डेड बॉडी इत्थे आनी, आ गवर्नमेंट नूं अज प्रिंसीपली एग्री करा लिया कि जिहड़े अफगानी सिख
अफगानिस्तान छड़ना चाहते हो इंडिया दे विच उन्हां नूं सिटीजनशिप मिलेगी। मैं समझदा वा कि बहुत वड्डी लड़ाई अफगानी सिखां वास्ते लड़ी गई, उहदे च वी असीं कामयाब होए आ। जिवें मैं अगे आख्या कि जब तक तुसीं एक डेडिकेटडली सोच दे नाल ना लड़ाई लड़ो तुसीं कामयाब नहीं हो सकते। अज जदों ये वीडियो रिलीज़ होन जा रही है, अज दुनिया दे विच करोना वायरस ने अपना कहर मचाया होया है। वड्डे वड्डे सरकारां वह भावें जर्मनी दियां होन, वह फ्रांस दियां होन, वह इटली दियां होन, वह स्पेन दियां होन, या ट्रंप साहब होन, यूएस प्रेसिडेंट गोडे टेक चुके ने। मैं समझदा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत कंट्रोल किया। अरदास करिए कि इस बीमारी तो दुनिया की जान छुटे, कहर बन के टुटी है। लेकिन इस कहर दे विच मैं तारीफ करांगा गुरद्वारा कमेटियां दी, सिंह सभावां दी, सेवक जथियां दी, इंडिविजुअली सिखां दी। देखो इत्थे बड़े बड़े धर्म स्थान ने जिन्हां कोल कई कई टन सोना पिया, गवर्नमेंट कोल इन्ना पैसा नहीं होना जिन्हां दे उन्हां कोल प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस पए ने। किसी नूं दो ग्राही रोटी नहीं खवा सके, किसी नूं दो फुलके नहीं खवा सके। एक गुरु की संगत है कि भावें हिंदुस्तान होवे ते भावें अमरीका की सरकार होवे, वो आखे कि अज 25,000 बंदे दा सानू प्रशादा चाहिदा अमरीका अर्गे मुल्क च, इंग्लैंड आले मुल्क च। मैं समझदा गुरु की लाडली फौज एक गुरु नानक दा घर कर सकदा। साडी ट्रेडिशन रही है मैदाने जंग दे विच, जदों जंग खत्म हो जाती सी सूर्य अस्त वेले, और खालसा जदों लंगर पकांदा सी आवाज़ मारदा सी जे कोई गुरु का लंगर छकना चाहे वो आ सकदा, ते जे दुश्मन भी उस लंगर दे विच आ गया ते खालसे ने पहले उस दुश्मन नूं लंगर छकाया फिर आप छकिया। ये गल साडे नाल भी बीती है कि जदों अफगानिस्तान दे विच हुण रीसेंट किलिंग हुई है ड्यूरिंग करोना वायरस, सिंह सभा ग्रेटर कैलाश तो बहुत वड्डे लंगर की सेवा चलती पई है। इत्थे साडे प्रधान साहब भंडारी साहब होण, स्वरण सिंह या पूरी टीम होवे, बलबीर कोहली जी होण, उहदे च हरजीत सिंह होण, जीके साहब या गुलशन वीर जी होण, मैं समझदा वां ऐसे तरीके नाल सेवा चल रही है। लेकिन जिहड़े मैं जिक्र करना चाहना कि वो एक पासे अफगानिस्तान सिखां दा कतल होवे, उत्थे साडे कोल एक बंदा आंदा है लंगर दे विच, आखदा जी कि मैं अफगानी सिटीजन हाँ, लाजपत नगर दे विच साडा कैंप लगा, सानू अफगानियां नू कोई प्रशादा नहीं दे रहा, साडा 150 बंदा है, सानू तुसी रोज़ उत्थे लंगर प्रोवाइड करो। वो रोज़ लंगर लैके जा रहे हैं, ये गुरु नानक दा घर है, ये गुरु नानक दी सिक्खी है। ये जिन्नी सेवा करोगे उन्ना गुरु तुहाडे ते बख्शिश करेगा। GTBIT दी जदों असीं ये सारियां परमिशनां लै लईआं, और जिवें मैं तुहानूं आख्या हुणे कि स्मृति ईरानी कोल जदों असीं जाने आ वो हसदी है, वो कहिंदी एक पासे तां मैं एफिडेविट दे रही हाँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मिनोरिटी स्टेटस वापस लै लिया जाए, तो तुहाडे कॉलेजां वास्ते मैं किस तरीके नाल अलाउ कर सकदी हाँ। उहदे च कलॉज सी, वो कलॉज ये है जिहड़ी मैं तुहाडे नाल शेयर करा। जिहड़ी यूनिवर्सिटी जिहड़ा कॉलेज गवर्नमेंट के पैसे नाल बनया होवे उसनों मिनोरिटी स्टेटस नहीं मिल सकता। साडी किस्मत यह सी कि साडे जिहड़े इंस्टीट्यूशन ने एक गुरु की गोलक चो बने सीगे, एक गुरुद्वारे के फंड तो बने सी, सो साडे उत्ते वो चीज़ लागू नहीं हुंदी सी और वो चीज़ साडी फेवर च काम कीती। लेकिन गवर्नमेंट का सब तो वड्डा रोल है कि जिसने ये डिसीजन लिया, उस वेले हाई कोर्ट से साडा केस चल रहा सी, गवर्नमेंट ने उहदे विच जाके एफिडेविट दिता और सानू मिनोरिटी स्टेटस मिलिया। अज साडी पनीरी हाँ, तुसी कॉलेज एडमिशन लै सकदे हो पर तुहाडे नाँ दे नाल कौर सिंह लगा होना चाहिए। अज तुसी कॉलेज एडमिशन लै सकदे हो, तुहाडे केस तुहाडे रोमां दी बेदबी नहीं होई होनी चाहिए। और जे 3 साल कॉलेज पढ़ते हो और मिनोरिटी कोटे च तुहाडी एडमिशन होई होवे, जे उहदे विच तुसी रोमां दी बेदबी कर ली तां वी तुहाडे एडमिशन कैंसल होणगे। इस तरीके असी 1984 दे बच्चों वास्ते स्कूलों की फीस माफ़ की, यही नहीं असी ब्रदर सिस्टर कंसेशन दिता, असी सिंगल मदर वास्ते असी जड़िया ने फी कंसेशन दिखा, असी स्पोर्ट्स वास्ते असी जड़े बच्चे एक्सीलेंट सीगे उन्हां वास्ते फी कंसेशन दिते, सिंगल मदर वास्ते दिते। मैं समझदा वा कि बड़िया सहूलत दिखा, लेकिन कितने ना कितने जिदा मैंबरस चेयरमैन लगते ने स्कूलों के आके, जो हाल पिछले वक्त भी होया साढ़े वक्त भी कितने ना कितने यहोजियाँ
गड़बड़ियां हुई जिसनों असी चैक करने वास्ते फिर वो चीज़ों प्लग किया गया। असी सेंट्रलाइज फी अकाउंट कर दिता, असी सारी पे सेंट्रलाइज देंदे सीगे। सिक्स पे कमीशन का बहुत वड्डा हिस्सा असी अपने समय दे विच दे गए सीगे। कौम दे लई रोज़ नवें कोई ना कोई मसले खड़े होंदे ने, उन्हां मसलियां दे लई जूझण वास्ते, उन्हां मसलियां दे उत्ते पहरा देण वास्ते, उन्हां मसलियां करके भावें अपनी सहयोगी सरकार भी क्यों ना होवे उहदे खिलाफ़ भी आवाज़ चुकण वास्ते शक्ति तुसीं दिंदे हो। संगत गुरु का रूप है और तुसी शक्ति दिंदे हो। असी ये लड़ाई जारी रखते हाँ। कौमां उही जींदियां रहिंदियां ने जिहड़ा अपना इतिहास याद रखण, और इतिहास नूं घर बह के याद नहीं करीदा। अपने गौरवमय इतिहास नूं जद तक अपनी पनीरी तक ना पहुँचाइए, दूजे धर्मां तक ना पहुँचाइए, मैं समझदा किते ना किते असी कौम नाल धरोह करांगे, इतिहास नाल धरोह करांगे। साडा इतिहास असी अपने प्यो नूं याद करांगे ना, दूजा क्यों आके कर देगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर की शताब्दी आई 300 साल शहीदी जिस तरीके नाल मनाई गई, दिल्ली दे विच मंडी हाउस च बुत लगना किड्डियां मुश्किलां तो बाद। कुतुब मीनार इंतजार करता सी बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिथे 300 साल वरे पहले शहीद होया सी, उहदे जरनैल शहीद होए सी, उहदे पौने 4 साल दे बच्चे का जिगर कढ के मूँह च पाया गया सीगा। कुतुब मीनार उड़ीकदा सीगा कि कदों गुरु दे सिख आणगे इत्थे, गुरु शब्द का गायन करनगे। हज़ारां सिख आए। मोदी साहब इनडोर स्टेडियम दे विच पंजाब गवर्नमेंट दे नाल मिल के जिहड़ा प्रोग्राम किया गया सी 25,000 सिखां दे विच, मैं समझदा वां कि जो बाबा बंदा सिंह बहादुर की शताब्दी मनाई गई वह अपने आप च लाजवाब सी। 350 साल दसम पिता की जिहड़ी शताब्दी 2017 दे विच आई सीगी, भावें ट्रेना गई होन पटना वास्ते, वह दर्शना वास्ते उस स्थान का जिथे गुरु साहब का आगमन होया सीगा, या इंडिया गेट पर प्रोग्राम किए गए होन और कनॉट प्लेस दे विच गतके खेडे गए होन, किसी नूं पता सी? पर सब तो वड्डी गल, किसी नूं पता सीगा कि दिल्ली सिखां ने फतेह कीती सी? बाबा बघेल सिंह जी, जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह आलूवालिया, तारा सिंह केबा जी, महा सिंह शुकर चक्किया जी, ये जरनैलों ने 1783 च दिल्ली फतेह की, लाल किले ते केसरी निशान चलाया। खालसा जी, किसी नूं 231-32 साल याद नहीं आया, लेकिन 2014 च पहली दफ़ा लाल किले ते फतेह दिवस मनाया गया। हज़ारों गुरु की लाडियां फौजां, निहंग सिंह जथेबंदियां और होर धार्मिक ऑर्गनाइजेशन जिस तरीके का जरनैली मार्च कढ़दियां ने, एक दिन पहले जिस तरीके के कीर्तन समागम होंदे ने, वह दिल्ली शहर के जिथे साढ़े गलां च टायर पा के साड़ दिते गए सीगे, सानू साढ़े सामने साढ़े बहु बेटियां दी इज्जत बेपत की गई होवे, वो दिल्ली शहर जिथे गुरु तेग बहादुर जी दे शहादत का हुक्म दिता गया होवे, उस लाल किले चों, उस लाल किले चों बंदा सिंह बहादुर दे 740 साथियों की शहादत का हुक्म किया गया होवे, उस लाल किले के उत्ते केसरी निशान चलाए और जिस तरीके नाल प्रोग्राम मनाए। अज अफसोस है कि अज की कमेटी वो प्रोग्राम नहीं मना सकी पिछले 2 साल तो। मैं समझदा वां कि अपनी कौम नूं जींदे जागदे रखण वास्ते अपना इतिहास लियाना सामने बहुत जरूरी है, और असी कोई घोल नहीं कीती, किसी किस्म की कोई कुताही नहीं कीती। किस तरीके नाल ये सारे प्रोग्राम मनाए गए ये संगत दे सामने है। अज गुरुद्वारा कमेटी च मैं नहीं हाँ। मैं 2018 नवंबर दिसंबर दे विच गुरुद्वारा कमेटी छोड़ के बाहर आ, बड़े इल्ज़ाम लगे मेरे ते, गबन दे इल्ज़ाम लगे मेरे ते, चोरियां दे इल्ज़ाम लगे, बड़े बड़े केस मेरे ते पाए गए, और ऐसे ऐसे गवाह धक्के नाल झूठे बना के, ऐसे ऐसे कागज़ झूठे बना के केस पाए गए जिहड़े अज भी कोर्टां च मैं निभदा पिया वां। नवें केस पाण की तैयारी की जा रही है। हरिनगर स्कूल जिहड़ा 500 करोड़ दा, उहदी चिट्ठी नकली आ जाती है, उहदा वास्ते अकाल तख्त साहब बुलाते ने पुराने चारों प्रधानों, हित साहब नूं, मनू सरना साहब नूं, सरसा जी नूं कालका जांदा। उत्थे जा के मैं समझदा वां कि जो उत्थे अकाल तख्त सामने हित साहब ने बयान दिता कि ये चिट्ठी मनू मनजीत ने नहीं दिती, मनू सरसा साहब ने दिती है, मैं समझदा बड़ियां ऐसियां गल्लां ने जिहड़ियां झूठियां साबित हो रही ने।
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਲੀ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਨੂੰ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ MLA ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾ ਔਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਸਾਲ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਦਾ, ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਮੇਰੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ 2013 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, 2017 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 71 ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖੌਫ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਪ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋਕੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਬਾਗਮੜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 1967 'ਚ ਸੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਿਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ 1964 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 11 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜੱਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਵੋਟ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਜਾਣ,
लेकिन उस तो बाद संगत ने जो प्यार दिता या मैं वो प्यार देखा सीगा कि जो मेरे ते यूबा सिटी और न्यूयॉर्क हमला होया सी जो मैं वापस एयरपोर्ट पर आना एक हड़ सी संगत का मनु लैन आया। शायद संगत अंदरों अंदर जानती है कि किस तरीके की सियासत चलती पई है। गुरु महाराज बख्शिश करेगा। मैं समझदा वा कि हर किस्म की धमकी सज्जन कुमार टाइटलर दे नाल कांग्रेस राज दे विच नौ लैना कोई सौखा काम सी? असी उन्हां तों नहीं डरे। मेरे उत्ते बंब केस पै जाण 1985 दे विच मनु घरों चुके लै जाण, असी उस तों नहीं डरे। संत जरनैल सिंह खालसा पिंडराले दी फोटो करके मेरा पासपोर्ट इंपाउंड होवे मेरे ते टाडा ला दिता जावे, मैं उस तों नहीं डरिया। उस उम्र दे विच जदों मेरी 22-24 साल उम्र सी जदों मेरे पिता का कतल हो गया सीगा, मैं समझदा वा गुरु की बख्शिश है। हमेशा दृढ़ता दे नाल असी सिख इशूज़ के उत्ते पहरा दिता और दिंदे रवांगे। मैं समझदा वा कि एक शेर है बहुत वधिया कि फलक को जिद है, सर मुहम्मद इकबाल का, फलक को जिद है बिजलियां हमी पे गिराने की, हमें भी जिद है आशियां यहीं बनाने की। मैं समझदा भावें वह सरकारां नाल नौ लेना होवे, भावें अंदर खाते जिहड़े सिख कौम के दुश्मन बैठे ने उन्हां नाल नौ लेना होवे, या वो जिहड़ियां एजेंसियां और ताकतां जिहड़ियां सिख कौम नूं कमज़ोर करना चाहुंदियां ने उन्हां दे नाल नौ लेना होवे, और दूजे पासे गुरद्वारा सुधार करने होण, गुरद्वारा साहब का निज़ाम सुधार करना होवे, एजुकेशन दे उत्ते अपने सिख पनीर नूं IAS IPS वास्ते किद्दां तैयार किया जाए उस पासे नूं चलना होवे। ये लड़ाई एक पक्षी नहीं है, बहुत पक्षी लड़ाई है, जिस लड़ाई नूं तुहाडे आशीर्वाद दे नाल लड़ांगे तद तक जूझांगे जद तक संगत चाहेगी, तद तक लड़ांगे जद तक तुहाडा आशीर्वाद सिर ते रहेगा। ना कदी कोई वड्डे लीडर वड्डियां सरकारां साडी सोच नूं नहीं बदल सकणगियां, सोच हमेशा पंथ लई होवेगी। मैनू याद है मेरे पिता दे लफ़ज होया करदे सी, मैं मरा पंथ जीवे करके विखा दिता। उन्होंने अपनी शहीदी अपनी जान दे दिती लेकिन कौम वास्ते जी दे रहे। यही गल मैं समझदा वा कि जो प्यार संगत ने मैनू दिता आने वाले समय दे विच जरूर तुसी देखोगे कि शायद गुरु ने चाहिया ते वड्डियां सेवावां फिर तुहाडे सामने करांगे। मैनू कुछ 17 मैं स्कूल च पढ़िया सीगियां, शायद EM फॉरेस्टर सीगा उहदा मैं नाम जे गलत ना लै रहा हूँ, कि आई हैव टू गो माइल्स बिफोर आई स्लीप। उहदा मतलब सी कि हले मैं कई मील का सफ़र करना, इस तो पहले मैं अपनी फाइनल स्लीप जिस दिन मैं सोना है ये दुनिया नूं छड्ड के जाना है। मेरा ख्याल है गुरु ने बख्शिश करके मेरे पिता तो भी सेवा ली सी, गुरु ने बख्शिश करके मैनू भी ये मौका दिता है, अगों भी ये गुरु आशीर्वाद दे के ये सेवा लेगा। ये सेवा ना मैं कर रहा वा ना जथेदार संतोख सिंह ने की थी, ये सेवा गुरु लै रहा है और गुरु करवा रहा और गुरु ही करवाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।